नादौर में एक्साइज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुराने रामलीला मैदान के पास स्थित एक व्यक्ति के घर व उसकी अनाज मंडी में स्थित आढ़त की दुकान से लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। रादौर में अब तक पकड़ी गई अवैध शराब की यह सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। रादौर DSP गुरमेल सिंह ने बताया कि उनके पास एक्साइज इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की ओर से इस बारे में सूचना आई थी, जिसके बाद वे मौके पर भी गए थे, जहां पर कुलदीप उर्फ अब्बू के घर से भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की गई। आज हमारे पे इन्फॉर्मेशन आई थी, एक्साइज इंस्पेक्टर था नरेंद्र शर्मा की, जैसे मेरे को पता लगा तो मैं भी इसी के देखने गया था स्पॉट पर। उन्होंने एक कुलदीप सिंह है वो अब्बू, तो उसके घर से कुछ शराब बरामद की है, वो अलग अलग ब्रांड में है और बाकी काउंटी का भी उन्होंने की नहीं थी। तो दूसरी जगह उन्होंने बताया कि हमने उसकी जो 38 नंबर अनाज मंडी में शॉप है वहाँ भी रिकवर किया। वहाँ भी मैं गया था, वहाँ तो करीब मतलब अलग अलग ब्रांड की थी, वो भी करीब 50-60 बोतल के करीब थी। तो जैसे वो कंप्लेन करेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ देखो, जो वहाँ की देखी थी, अब उसके ब्रांड का उसकी उनका पता नहीं हमारे को, वो विदेशी है कैसी है, लोकल कंपनियों की है, लेकिन जो रेडियस पे मिली उसकी तो अभी काउंटिंग नहीं की है ना। वो तो सिर्फ एक बॉटल उस पर उन्होंने उसकी बनाई हुई थी, इसलिए हमने उसको बताने में इतनी क्वांटिटी है, लेकिन जो घर पे मिली है उसके तो अभी उन्होंने टोटल भी नहीं किया। यमुनानगर में आज कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मणिपुर और मेवात के नू में हुई हिंसा पर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस विधायक बिशनलाल सैनी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, तो वहीं उन्होंने नू में हुई हिंसा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ऐसे ये प्रदर्शन के लिए ज्ञापन देने के लिए खुद इस डबल इंजन की सरकार ने मजबूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि यह डबल इंजन की सरकार इस प्रकार से करे। मणिपुर के अंदर आप लोगों ने देख लिया किस तरह हमारी वहाँ माओं बहनों को नंगा कर करके बिल्कुल दड़ाया गया, बेइज्जती की गई, पिटाई करी गई और वहाँ कितनी हत्याएं हुई आपको मालूम है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी शुरुआत हो गई है। एक तरफ तो हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि षड्यंत्र है, भाई षड्यंत्र का पता आपको 5-10 दिन पहले नहीं पता चला भी षड्यंत्र है, आपने पहले क्यों नहीं कार्रवाई करी, पहले क्यों नहीं ऐसा किया। इससे तो ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये जो जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वो चाहती हैं कि इस प्रकार का माहौल हिंदू मुसलमान का, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना, इस तरह के प्रोपेगेंडे लेकर के आते हैं और जो है इस प्रकार का काम इन्हें नहीं करना चाहिए। मेरी निवेदन रहेगी खट्टर साहब से भी, भाई इस चीज को संभाल ले। अटल भूजल योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र दामला में सडोरा खंड के किसानों को एक्सपोजर विजिट कराया गया, जिसके माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती करने बारे प्रशिक्षण दिया गया। अटल भूजल योजना यमुनानगर के IEC एक्सपर्ट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दामला सेंटर के माध्यम से जिले भर के किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सके। इसके अलावा किसानों को कम पानी में होने वाली फसलों के बारे जानकारी दी गई, ताकि दिन प्रतिदिन घट रहे भूजल को कम करने से बचाया जा सके।